अस्सलामुअलैकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं शेख फरहान अली। खूबसूरत फूलों पर पड़े शबनम के ये शफाफ कतरे इस कदर दिल फरेब होते हैं कि हर जीरू को अपने सैर में मुब्तला कर लेते हैं। नाज़रीन, इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप पड़े होते हैं जैसे रात को आसमान से तारे उतरे हों और फिर हल्की सी हवा की सरसराहट से झूलती फूल की पत्तियों पर सो गए हों। ताहम सूरज की किरणें पड़ने से ही अपना वजूद खो बैठते हैं। एक मिसल मशहूर है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, मगर एक नन्ही सी चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। ये निजामे कुदरत है। कुछ ऐसे ही मनाजिर सुबह सवेरे मकड़ी के जाले पर दिखाई देते हैं, जिन पर पड़े शबनम के कतरे ऐसे लहलहा रहे होते हैं जैसे किसी आसीना के गले के हार पर चमकते मोती किसी माहिर कारीगर की कारागरी का सबूत पेश कर रहे हों। और तो और, छोटे बड़े पौधों के पत्तियों और टहनियों पर शबनमी कतरे इतने शफाफ कि इनके उस पार भी इतना साफ दिखाई देता है, जो कतार अंदर कतार एक तरतीब से जुड़े होते हैं। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद जब हम वाद के लिए निकलते हैं तो इन फूलों पर पड़े शबनम के कतरे जो है उससे रूह ताज़ा हो जाती है बंदे की और बहुत ही एक लुत्फ आता है। मगर कुदरत की हसीन नज़ारे सिर्फ उन्हीं को देखना नसीब होते हैं जो सुबह सवेरे अल्लाह ताला के हाँ सर बसजूद होकर सुबह की सैर को निकलते हैं। एक शबनम के कतरे की तकदीर को आजमाती रही रात भर चांदनी, सुबह देखा शगुफे थे टूटे हुए, गुल खिलाती रही रात भर चांदनी।